लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट जो था थोड़ा उसको मुश्किल लग रहा था, तो मैं आज की क्लास में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी करूँगा कि पिछली वाली जो क्लास आपको, जो हमारा अलॉटमेंट और एरियर वाला क्लास था, उसको आज सिंपल बनाया जाए, बिल्कुल सिंपल तरीके से। उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट सीखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, आपका आगे यूज़ होने वाला है। मैं आपसे कुछ एक दो क्वेश्चन पहले मैं कर देता हूँ, उसके बाद आपने क्वेश्चन करना है और उसका जवाब देना है। मैंने यहाँ पे लिखा अप्लाई, सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। आप, मैं एक क्वेश्चन करूँगा तो आप समझ जाओगे। 2000, 1000, 3000, 1000, 4000 और यहाँ पे 4000 या 3000 कर देते हैं। टोटल हो गए हमारे 5000 और 5, 4, 9। अब आपसे एक सिंपल सा पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे इस क्वेश्चन में बताइए इशूड कितने हैं। इशूड कितने हैं? 5000 और एप्लीकेशन रिसीव 9000। ये पता चल जाता है हमें इससे। अब मैं ये कहता हूँ कि 10 रुपये का शेयर्स है और सिर्फ मैं कैलकुलेशन जानना चाहता हूँ और नथिंग, और मुझे कुछ नहीं जानना। 2, 3 और 5 ये था। यहाँ से एक व्यक्ति ने अप्लाई किया, यहाँ से अप्लाई किया 200 शेयर फेल, यहाँ से एक व्यक्ति ने अलॉटेड था 100 शेयर फेल। आपने मुझे बताना है कि अलॉटमेंट पे ये दोनों कितने रुपए देने में फेल हो गए। सिर्फ अलॉटमेंट की बात कर रहा हूँ, फिर हम फर्स्ट कॉल वाले करेंगे। अलॉटमेंट पे नहीं, मैं करूँगा तो अलॉटमेंट पे कितने रुपए देने में फेल हो गए, तो उस चीज़ को मैं कैलकुलेट करके फटाफट बताऊँ कि कितना फेल हुआ कितना नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो इनका अलॉटमेंट का फेल अगर निकालना है, नॉर्मली अगर बच्चों को देखा जाए ना तो पूछो तो वो क्या कर देते हैं, 200 × 3 = 600 और 100 × 3 वो बोल देते हैं जी 900 में फेल हो गया। लेकिन आज हमारा मेन फोकस रहेगा क्वेश्चन पे। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हम स्टेप्स देखना, आप स्टेप्स आपको याद हो जाना चाहिए। क्या कहता है, पहले कैटेगरी का नाम मैं रख देता हूँ जिसने अप्लाई किया राम, और इसका नाम रख देते हैं मोहन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे भी पूछूंगा, ध्यान से देखना। पहले मैं राम का करता हूँ, अप्लाई कर रखा है ना राम ने, क्योंकि अप्लाई बोले या फिर एप्लीकेंट, अप्लाई बाय राम। तो सबसे पहले ये लिखो यहाँ पे कितने, 200। अब हमें ये जानना होता है कि इसको कितने मिले, अलॉटेड टू राम कितने मिले। तो रेशो काम आएगा, रेशो कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता है, फर्स्ट, तो यानी रेशो बन जाएगा 2:1। अब ये है अप्लाई, तो डिवाइडेड बाय अप्लाई का रेशो, और चाहिए इनटू, तो इज इक्वल टू 100। अब टोटल अमाउंट कितना दिया होगा राम ने, टोटल अमाउंट आप दिमाग लगाइए और बताइए टोटल अमाउंट कितने दिए होंगे। तो वेरी सिंपल सी बात है, आपने जवाब दिया 400, तो कैसे दिया आपने, सर इसने 200 मांगे थे और 2 रुपये के हिसाब से इसने 400 दिए। मैंने क्या इसे 400 रुपये का शेयर दे दिया, दिमाग लगाइए, नहीं दिया 400 का शेयर। मैंने इसको शेयर दिया, यानी मैंने इसको एडजस्ट जो करना है, मैंने इसको 100 शेयर ही दिए, क्योंकि अलॉटेड का मतलब उसे दिए हैं हमने, कितने शेयर दिए 100 शेयर, और इसके 2 रुपये से कट गए 200, यानी इसका एडवांस रह गया कितने, एडवांस रह गया 200। अगर ये बोले ना कि अलॉटमेंट पे मैं 1 रुपये भी नहीं दूंगा तो झूठ बोल रहा है ये, 200 तो पहले दे रखा है, ये ऐसा नहीं बोल सकता। अब अगर मैंने बोला भाई अलॉटमेंट के पैसे लाओ, ये बोल रहा है मैं नहीं दूंगा, दोनों फेल हो गए हैं। तो मैंने बोला चलो अंदाजा लगाते हैं, कॉल्स ऑन अलॉटमेंट पे अगर मैं इससे मांगता तो इसके पास शेयर्स कितने हैं 100, और इससे अलॉटमेंट के मांगूंगा 3, यानी 300, तो इसने कितने नहीं दिए 100 रुपये, इसके एरियर माने जाएंगे। इसके कितने एरियर माने जाएंगे हमारे, 100 रुपये। कोई दिक्कत यहाँ तक, पहले का निकल गया। ऐसे ही दूसरे का हम ट्राई करते हैं, दूसरा कौन है हमारे सामने, दूसरा हमारे सामने मोहन है। किसी को डाउट होगा तो पूछना, देखना, दूसरा मोहन है तो मोहन को क्या दे रखा है, अलॉटेड, तो मोहन को अलॉटेड, अलॉटेड टू मोहन, मोहन अलॉटेड को कितना है हमारा 100 शेयर। तो हमें अगर अलॉटेड दे रखा हो तो हम निकालते हैं अप्लाई है, अप्लाई दे रखा है तो निकालते हैं अलॉटेड है, तो यहाँ पे निकाला जाएगा हमें अप्लाई, अप्लाई निकालेंगे 100, रेशो किससे बिलोंग करता है, इससे, रेशो बना 3:1,
तो डिवाइडेड बाय ये क्या है अलॉटेड, तो डिवाइडेड बाय अलॉटेड का रेशियो 1:3, 300 समझ रहे हो। फिर से दोबारा मैं बताता हूँ, जो डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का जो चक्कर है ना, जो हमें दे रखा है उसी का रेशियो नीचे आता है और जो रिक्वायरमेंट है ऊपर आता है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है अलॉटेड, तो अलॉटेड का रेशियो चेक करो क्या है 1, और हमें निकालना क्या है अप्लाई, तो इनटू में अप्लाई का रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल अमाउंट की बात करें तो टोटल अमाउंट क्या आया होगा, टोटल अमाउंट इससे रिसीव हुआ होगा जी 300, क्योंकि अप्लाई 300 की है ना, 300 मल्टीप्लाई 3 900, लेकिन मैंने इसे एडजस्ट कितने हुए होंगे, अच्छा हाँ दो है 600 अलॉटेड, एडजस्ट कितने होंगे एप्लीकेशन पे इसके, एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन, तो जी इसके पास शेयर ही कितने हैं 100 और गुणा में 200 इसके एडजस्ट हो गए, इसके एडवांस कितने बच गए, ये है एडवांस। चलिए एडवांस हमें पता चल गया, अब इससे क्या बोलते हैं कि भाई अलॉटमेंट पे कितना फेल होगा, मैं मांग लेता हूँ कॉल अलॉटमेंट, कॉल अलॉटमेंट पता है कि लिख रहा हूँ कि अलॉटमेंट पे मैं इससे इतने मांगूंगा, तो अलॉटमेंट पे कितने मांग सकता हूँ भाई, पहले तो ये पता करो इस पे शेयर कितने हैं, इस पे शेयर कितने 100, तो इसका मतलब 100 गुना में 300 लाओ, उसने बोला मैं नहीं दूंगा, यही बोला ना इसने, एडवांस 400 है, 100 रुपये, तो मेरा एक क्वेश्चन और बन गया, वैसे आगे मैं देता ये अलॉटमेंट पे फेल नहीं हो सकता, ये अलॉटमेंट पे फेल नहीं हो सकता, क्वेश्चन समझ रहे हो। मैं थोड़ा सा बस अमाउंट चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, और अमाउंट मैं चेंज करके पता मैं अमाउंट को ना थोड़ा कम कर देता हूँ, आप ध्यान दो, ऐसा सिचुएशन अभी आएगा यहाँ पे जैसा आया ना कि ये फर्स्ट कॉल पे गया है, मैं थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर देता हूँ और अमाउंट बस मैं ये करता हूँ, इसको जो शेयर 100 थे ना मैं इसको कर देता हूँ 200 कर दें, फिर बात बन जाएगी है, मुझे लग रहा था इसमें नहीं, रेशियो तो यही है तभी ज़्यादा आएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, मैं कहाँ चेंज करूँ, मैं चेंज कर देता हूँ इसको 2 कर देते हैं, सिंपल सी बात, 3, 2, 5, 1, 6, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है ना, अब दोबारा से इसका सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको अलॉटेड कितने हैं 100, अप्लाई कितने बने, इसका रेशियो बन गया 1:3:2, तो ये डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, तो कितने आ जाएंगे 150 आएंगे, हाँ 150 आ गए। ठीक है ना, अब 150 आ गए, ध्यान पता चल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अगर इसने अप्लाई करें 150, तो यहाँ पे आ जाएगा 150 गुना में, मैं मिटा देता हूँ पूरा, ये लो मिटा दिया, लो मिटा दिया मैंने आपके लिए, पहले ये देखिए मैंने सिर्फ यहाँ चेंज किया डिजिट, क्या डिजिट चेंज किया जी, 3000 वालों को मिले कितने 2000, इसमें रेशियो क्या बना 3:2, इसने मांगे कितने थे 100, अगर इसने 100 मांगे तो अलॉटेड कितने होंगे 100 डिवाइडेड बाय अलॉटेड का रेशियो जो कि क्या है हमारा 2:3, 150 आ गए, तो टोटल पैसे कितने आए होंगे, टोटल अमाउंट रिसीव, तो इसका मतलब 150 जब मांगे हैं, तो यानी जो टोटल पैसा निकालते हैं ना, जितने उसने मांगे थे उससे निकाले जाते हैं, है ना, यही कंक्लूजन निकलता है, और मल्टीप्लाई बाय किससे करूं मैं 2, यानी आ गए हमारे पास 300, एडजस्ट कितने हो जाएंगे, एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन पे, तो सर इसने 100:2, यानी 200 एडजस्ट हो गए, तो बचे 100 एडवांस, मैंने बोला कॉल ऑन अलॉटमेंट जी, अलॉटमेंट पे पैसे लाइए, उसने बोला 100 गुना में 3, मैं लेके नहीं आऊंगा, इसका मतलब इसका फेल हुआ 200, कितने फेल हो गया, तो टोटल फेलियर कितना होगा अलॉटमेंट पे, टोटल एरियर, तो टोटल एक राम का होगा जिसका अमाउंट है 100, और एक किसका होगा मोहन का जिसका अमाउंट 200 है, तो कॉल सेल एरियर में कितना आएगा इसके नाम का 300। पहले बताओ यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई, और इसी बातों में हमने एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा देख लिया था, वो आगे निकल गया था, तो वो सारे क्वेश्चन बचेंगे नहीं, वो भी करने हैं हमें, लेकिन पहले यहाँ तक की कहानी देखो समझ में आया नहीं है, क्लियर है, तो एक बार फटाफट से इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन मैं साथ के साथ नीचे दे रहा हूँ आपको करने के लिए, उसका भी आपने सेम ही बताना है मुझे, एक क्वेश्चन मैं नीचे लिख रहा हूँ आपके लिए, मैंने लिखा अप्लाई और अलॉटेड 3000, 2000, 4000 और 3000, बस 2 ही कैटेगरी, 10 रुपये
3 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये, ठीक है, और 2 रुपये। यहाँ पे एक व्यक्ति फेल हुआ, राम, नाम वही रख रहे हैं, एक मोहन। राम जो था वो एप्लीकेंट था, राम जो था एप्लीकेंट था, कितने शेयर अप्लाई किए थे, 30 शेयर। मोहन जो था वो होल्डर था, होल्डर था, कितने शेयर होल्ड करता था मोहन, वो करता था हमारा 30 शेयर, दोनों 30-30 ही है, लेकिन ये इससे बिलोंग करता है, ये इससे बिलोंग करता है, अलॉटमेंट में कितने फेल होंगे वो बताना है। यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी, जो जिसका भी डाउट हो पूछिए आप। जिसको क्लियर नहीं दिख रहा था आप देखिए, चेक करिए, क्लियर दिखेगा आपको। चलिए मैं इसका आंसर करके दिखाता हूँ, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिनका रह गया है वो चेक कर लें। सबसे पहले मैं राम की बात करता हूँ, फटाफट देखिए राम, राम ने क्या दे रखा है यहाँ पे, मैंने बोला एप्लीकेंट मतलब राम ने अप्लाई किया है, फटाफट मैं स्पीडली बोल रहा हूँ थोड़ा, राम ने अप्लाई किए, कितने अप्लाई किए जी, 30 शेयर। तो इसका निकालना क्या पड़ेगा, अलॉटेड निकालना पड़ेगा, तो 30 रेशो क्या बन रहा है हमारा, 3:2 बन रहा है, तो 30 और 30 क्या है हमारा, ये अप्लाई है, तो डिवाइडेड बाय 3 × 2 कितने आ गए, 20 शेयर। टोटल अमाउंट अगर मैं रिसीव की बात करूं तो टोटल अमाउंट आप निकालोगे, टोटल अमाउंट रिसीव 30 × 2 आप देखिए 3 है तो 3 यानी 90, और इसका एडजस्ट कितना हुआ होगा, एडजस्ट इसका हो गया होगा 20 × 3 यानी 60। तो 30 एडवांस था, कॉल करते हैं जी अलॉटमेंट पे पैसे लेके आइए, तो इससे 20 × अलॉटमेंट है 500 मांगेंगे, तो इसका मतलब 70 फेल। जिस बच्चे का जवाब था इसका फेलियर 70 है, उसका सही जवाब था बिल्कुल। अब इसके बाद अगला देख लेते हैं हम, अप्लाई इसका हो गया, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका, मोहन का। तो अलॉटेड टू मोहन है, ध्यान से देखोगे ना तो अलॉटेड टू मोहन, अलॉटेड टू मोहन है, अलॉटेड टू मोहन की बात करें तो 30 है, तो हम चेक करेंगे अप्लाई। अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं सर रेशो अपनी मर्जी से किसी का भी लगा सकते हैं, नहीं, जिस कैटेगरी से फेल हो रहा है उसी का रेशो लगेगा हमेशा। तो इसका रेशो क्या है, 4:3, यानी अप्लाई का 4 है और अलॉटेड का 3 है, और हमें क्या दे रखा है ये अलॉटेड, तो अलॉटेड का नीचे आएगा 3 × 4, तो ये आ जाएगा 40। तो टोटल अमाउंट क्या आएगा, टोटल अमाउंट, अमाउंट रिसीव ये आ जाएगा 40 × 3 120। एडजस्ट कितने होने वाले हैं जी इसके, एडजस्ट होने वाले हैं 30 × 3 90, और 90 के हिसाब से देखा जाए तो कितने एडवांस है, 30 का एडवांस है। अगर मैं कॉल करता हूँ जी अलॉटमेंट पे पैसे लेके आइए, तो उससे मांगेंगे हम 30 × 5 150, वो फेल हो गया, तो 30 तो दे ही रखे थे, 150 में थोड़ी ना फेल होगा वो 120 में फेल होगा। तो इसका आंसर ये है। एक और क्वेश्चन दिया जाए, क्लियर है हर किसी को, नोट कर लीजिए जिसका रहता है क्वेश्चन, तो मैंने रेज कर दिया है, आंसर है उसका।